Good morning, dear student. Today I am going to teach you exercise 4B. Okay, by Datta Sagar book ki aaj aapko exercise solve karni hai. Question number first kya hai? Write up four solutions for each of the following equations. ठीक है? आपको 4B में जो question number first दे रखा है, उसमें क्या है कि one से लेके five तक में आपको four solutions निकालने हैं. वो भी तो इसमें क्या करेंगे आप कि x और y की एक सम कर लो नहीं सिर्फ x की आप वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट निकालिए जिससे कि y की वैल्यू आपकी निकल आएगी. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या किया मैंने x की जीरो वैल्यू पुट करें. ठीक, तो x की जीरो वैल्यू पुट करें तो क्या कर सकते हैं आप, जीरो मान देंगे x की जगह पे जीरो रखा प्लस y इक्वल टू 4 कितना आ गया, ये जीरो तो ये से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आ गया कि नहीं आ गया, y इक्वल टू 4 तो कितना आ गया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 फर्स्ट आंसर. सेकंड, पुट x इक्वल टू 2, आप x इक्वल टू 1 रख सकते हैं फिर 2 रख सकते हैं या x इक्वल टू 1 माइनस 1 कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने x इक्वल टू 2 यहां पे रख दिया तो आप x की जगह पे यहां पे 2 रख देंगे. ठीक, y ऐसे ही रखेंगे, ये y है और ये x 4, इसके बाद 2 2 जा 4 y 4. ठीक, y इधर लेकर गया तो कितना आया माइनस, a के प्लस का था ये माइनस का था 0 तो क्या हो गया 0, x is equal to 2 y is equal to 0 सेकंड आंसर. c, x इसमें क्या करेंगे x is equal to माइनस 1 पुट कर दिया तो 2 into 1 plus y is equal to 4 तो 2 plus y is equal to 4, अब इसको 2 को इधर रखा तो माइनस आ गया माइनस 2 y is equal to 2 यानी x is equal to 1 y is equal to 2. ओके बच्चों, फिर 2x plus y is equal to 4, अब इसमें x is equal to minus 1 पुट किया यानी x की आपको different different values रखनी है जिससे कि y की आपकी निकल आएगी. ठीक है, तो आपने देखिए x is equal to minus 1 रखा minus 1 रखा तो यहाँ minus 2 आ गया कि नहीं, y को ऐसे रखा 4 ऐसे रखा minus 2 तो उधर गया तो कितना आया plus कर दो आया तो y is equal to 6 यानी x is equal to minus 1 y is equal to 6. देखिए यही आपके सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 3 1 से लेके 5 तक इसी तरीके से होंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव x = - 2 y = 1 यानी x की वैल्यू भी दे रखी है और किसकी y की वैल्यू भी दे रखी है तो बस क्वेश्चन नंबर 6 में x और y की x एक बार x की वैल्यू रखकर सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बस y की वैल्यू रखकर सॉल्व करिए बस x और y की वैल्यू रखिए और इसे सॉल्व करने के बाद आपका x और y की वैल्यू आपकी निकल आएगी. ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक होंगे. क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 चेक ऑफ द व्हिच फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशन x - y. अब इस वैल्यू में आपको क्या करना है x = 4 और y = 2 ये रख कर देखना है और चेक करना है कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं तो आपका निकल ही आएगा अगर x = 2 में पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है यानी कि पूरा पूरा 0 आ रहा है x और y की तो होगा नहीं तो आपकी वैल्यूज तो दे रखी पूरा अगर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है नहीं सॉल्व होगा तो नहीं होगा. ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज दे रखी है की वैल्यू जो निकाली है उसके लिए x और y की वैल्यू सारी दे रखी है आपको सिर्फ सॉल्व करके देखना है. इसी तरीके से क्वेश्चन सारे दे रखे तो 15 तक के क्वेश्चंस है बच्चों ये आपको पूरी लगानी है एक्सरसाइज 4 भी आपको लगानी है. जो भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज कर सकते हैं फोन करके पूछ सकते हैं. ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 4 भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी. रत्ना सागर बुक की कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी की नहीं करनी है आपको, सिर्फ रत्ना सागर बुक की करनी है. ओके बच्चों, थैंक यू.